जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सीबीआई की टीम ने मलिक के घर समेत 30 और जगहों पर छापा मारा है। किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले से जुड़े इस भ्रष्टाचार मामले में ये छापेमारी चल रही है। इससे पहले बीमा घोटाले में सीबीआई के मलिक के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। सीबीआई की टीम जम्मू एंड कश्मीर में मलिक और उनके करीबियों के ठिकानों पर भी रेड मार चुकी है। बता दें कि यह पूरा मामला जम्मू कश्मीर में किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। सीबीआई की टीम इसी मामले को लेकर सत्यपाल मलिक और उनके करीबियों के यहां रेड डाल रही है। सीबीआई की टीम ने हाइड्रो पावर के अधिकारियों के यहां छापेमारी की है, जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, मुंबई, हरियाणा में सीबीआई की रेड चल रही है। बताया ये जा रहा है कि मलिक के दिल्ली के सोम विहार वाले फ्लैट से लेकर उनके गांव तक में छापे पड़ रहे हैं। सत्यपाल मलिक के यहाँ ये छापे तब पड़ रहे हैं जब वे अस्पताल में भर्ती हैं, और इसकी खबर उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और हॉस्पिटल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसान के साथ हूं। बता दें कि जिस मामले में मलिक के यहां सीबीआई छापे मार रही है, उस मामले को मलिक ने ही खुद उजागर किया था। मलिक ने दावा किया था कि 2018-2019 में जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, इस दौरान उनसे दो फाइल को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इन दो फाइलों में एक फाइल अंबानी की थी और दूसरी फाइल आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी। ये शख्स महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पार्टी, पूर्व पार्टी यानी कि पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री थे। उस मंत्री ने पीएम के करीबी होने का दावा भी किया था। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बाकी बड़ी तमाम खबरों के लिए आप सभी जुड़े रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।